तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 301 to 10। यस, ये 10 वर्ड हम लोग अभी इजीली सीखने वाले हैं, गारंटी है। आइए, फर्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है फैड। फैड मतलब होता है फैशन में होना। फैड मतलब होता है फैशन में होना। फैड मतलब फैशन में होना। क्या बोल रहे हैं? अक्रेजी, अक्रेजी, फैशन में होना। फैड मतलब फैशन में होना। आप लोग जब रीडिंग डालते होंगे ना तो देखते होंगे कहीं कहीं क्या है ना, डी को आर भी बोला जाता है। डी जो है इसको क्या बोला जाता है? आर, यानी रॉ भी समझा जाता है, डी को रॉ। तो इसको हम लोग लिंक कर लेते हैं याद करने, फार, फार, है ना। इसको फैड को पढ़ लेते हैं याद करने के लिए, फार, फार। और फार अभी जो है ना फैशन चला हुआ है, एकदम फैड चला हुआ है। फार के जींस पहनने का, फार के ड्रेस पहनने का, पता नहीं कहा है ना जी। तो फार, 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 फारले है कोई ड्रेस के, मतलब वो फैड में है। अगर फाड़े हुए है मतलब वो फैड में, फैशन में है। तो फैशन चला हुआ है फाड़ने का भी। अभी कैसा फैशन चला हुआ है? फाड़ने का, फाड़ने का। फैड बोले तो फैशन में होना। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने, फैल्टर। फैल्टर मतलब होता है हिचकिचाना। फैल्टर मतलब हिचकिचाना। बोला हेजिटेट, हेजिटेट। फैल्टर मतलब हिचकिचाना, फैल्टर मतलब हिचकिचाना। इसको लिंक करिए अल्टर, फैल्टर, अल्टर, अल्टर। लोग जो होगा ना पगला, कोई बात बोले से फैल्टर नहीं होता। अल्टर कोई बात बोलने से फैल्टर नहीं होता है। अल्टर लोग किसी बात को बोलने से हिचकिचाते नहीं है, जो होता है बोल देते हैं मुंह पर, है ना। तो अल्टर, फाल्टर, है ना जी। तो फाल्टर, फाल्टर किसको कहते हैं? अल्टर को, अल्टर। अल्टर जो होता है वो किसी बात के लिए फाल्टर नहीं करता। फाल्टर मतलब हिचकिचाना, फाल्टर मीन्स हिचकिचाना, फाल्टर मीन्स हिचकिचाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैनेटिक। फैनेटिक मतलब टक्कर, फैनेटिक मतलब टक्कर। फैनेटिक मतलब बोला एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक ऑफ वंस, है ना। किसी के पीछे पागल हो जाना, दीवाना हो जाना, फैन हो जाना, तेरे बिना भी क्या जीना, है ना। फैन, फैन, आप लोग भी किसी के फैन होंगे। अभी फैन को लेके ही तो कितना सन्नी देवल का लोग सब कितना फैन है, फैन है, फैन है। अभी देखिए गदर टू आया, बिना मतलबों के स्टोरी, इतना लाजवाब नहीं है, फिर भी फैन। इसे बोलते हैं फैन फॉलोइंग, है ना जी। तो फैन, फैन। तो फैनेटिक मतलब कट्टर। वैसे मूवी ठीक है ना जी। चलिए, तो क्या है? फैनेटिक मतलब कट्टर, फैनेटिक मतलब कट्टर। लोग देखे ट्रक में भर भर के जा रहे हैं, भर भर के जा रहे हैं, ओके। तो क्या है? फैनेटिक कट्टर, फैनेटिक कट्टर। नेक्स्ट क्या है? फैंसियर। फैंसियर मतलब जो जानवरों का प्रजनन करवाता हो। बात समझ रहे हैं? अपने गांव में मवेशी वगैरह को जो डॉक्टर होता है ना, मवेशी का डॉक्टर, पगला सब, वो सब आजकल फैंसी ड्रेस पहन के जाएगा, फैंसी ड्रेस पहन के जाएगा। जैसे ही गाय लथार मारा, भैंसी लथार, सब ड्रेस इधर उधर, हे भगवान क्या डॉक्टर सा है, है ना। तो क्या है? तो फैंसियर, फैंसियर, है ना। तो क्या है? काम कर रहा है फैंसियर वाला, कपड़ा पहनता है फैंसी। काम कर रहा है फैंसियर वाला, कपड़ा पहनता है फैंसी। तो होगा ही इज्जत बर्बाद, है ना। तो क्या है जी? फैंसियर। तो काम कर रहा है फैंसियर वाला और कपड़ा पहनता है फैंसी, समझ रहे हैं ना। यस, फैंसियर मतलब जो जानवरों को प्रजनन करवाता, फैंसियर मतलब जो जानवरों को प्रजनन करवाता, ओके जी। एक क्या है? फार्स। फार्स मतलब होता है तमाशा। फार्स मतलब होता है तमाशा की जैसी घटना। फार्स, फार्स मतलब तमाशा की जैसी घटना। फार्स मतलब तमाशा की जैसी घटना, है ना। फार्स को लिए फारसी। फार्स को लिंक कर लेते हैं फारसी से। फारसी, एगो लड़का जो था एकदम पागले था, पगला, एकदम पागल था, एकदम पागल, गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अब गया, वहाँ एगो लड़की के पटा के लेके फरार हो गया, गया अफगानिस्तान, फरार हो गया, लेकर चल आया यहाँ इंडिया। पगला, उसकी लड़की में एक गड़बड़ी था, ओकरा फारसी के सिवा कुछ बोलने ही नहीं आता था, केवल फारसी। दिखने में तो एकदम मस्त से जबरदस्त थी, है ना, लेकिन वो बोलती थी केवल फारसी। और जब वो बोलती थी ना फारसी, तो पूरे गांव के लोग क्या कर देते थे वहां, एकदम फार्स कर देते, फार्स कर देते थे, है ना, फारस कर देते थे, फारस कर देते थे, तमाशा के जैसी घटना बना देते थे। अब गुस्सा के बोलती थी ना, जब झगड़ा होता था दोनों में, तो अब तो आउरो तमाशा के जैसे घटना, है ना। तो फारस, फारस मतलब होता है तमाशा, फारस मतलब तमाशा के जैसी घटना। उम्मीद है याद हो रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड आप लोग के सामने है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक। फैटल मतलब घातक, फैटल मतलब घातक। तो फैटल को लिए बैटल। बैटल मतलब लड़ाई। अरे यार, आज तक कोई भी लड़ाई
जिसमें प्रॉफिट हुआ हो, घातक तो है। लड़ाई क्या होता है? घातक होता है। तो हर एक बैटल फैटल नहीं होता, हर एक बैटल फैटल होता है, चाहे पानीपत का बैटल हो, चाहे स्वतंत्रता युद्ध का, है ना जी। तो कोई भी फैटल बैटल फैटल नहीं होता है, कोई भी बैटल फैटल नहीं होता है, कोई भी बैटल फैटल नहीं होता है, घातक ही होता है। नेक्स्ट फेट, फेट मतलब भाग्य किस्मत, है ना, याद रखिएगा। फेट फेट, तो लोग को अपने भाग्य पे भरोसा होता है, लोगों को अपने फेट पे फेट होता है, अपने फेट पे फेट होता है, अपने फेट पे फेट होता है ना, भाग्य पे भरोसा होता है। फेट भाग्य, है ना, क्या क्या भाग्य, फेट मतलब भाग्य, फेट मतलब भाग्य, फेट मतलब भाग्य। नेक्स्ट वर्ड क्या है? फैटफुल, फैटफुल, फैटफुल मतलब होता है महत्वपूर्ण पर दुर्भाग्यपूर्ण, फैटफुल मतलब महत्वपूर्ण बट दुर्भाग्यपूर्ण। क्या बोल रहा है? हैविंग इंपोर्टेंट बट निगेटिव इफेक्ट, है ना, है तो बहुत जरूरी, है ना, बट इसका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। फैटफुल, कोई व्यक्ति जो पूरे के पूरे भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा, ठीक है भाग्य के भरोसे रहो भैया, लेकिन भाग्य के भरोसे रहने से जितना मिलता है उससे ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं अपने कर्म करके, अपने स्किल को डेवलप करके, है ना। तो क्या कहता है कुछ लोग कह के गए हैं बड़े बुजुर्ग, है ना, भाग्य के भरोसे बैठने वाले को मिलता वही है जो कर्म करने वाला छोड़ देता है, है ना। तो इसलिए अपने स्किल पे फोकस कीजिए, अपने कर्म को कीजिए। अभी तैयारी कर रहे हैं तो रात दिन गर्दा गर्दा उड़ा के तैयारी कीजिए, जो हमें ही चाहिए सीट, है ना, मेरे लिए ही वैकेंसी आया है, ऐसा सोच होना चाहिए। तो है तो भाग्य साथ दे, है तो महत्वपूर्ण, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है, कहीं अगर साथ नहीं दिया तो बर्बाद हो जाइएगा, बट स्किल रहेगा तो बहुत आगे बढ़ जाइएगा, है ना। तो फैटफुल मतलब महत्वपूर्ण बट दुर्भाग्यपूर्ण, फैटफुल मतलब महत्वपूर्ण बट दुर्भाग्यपूर्ण। नेक्स्ट क्या है? फैटुअस, फैटुअस मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, फैटुअस मतलब मूर्खतापूर्ण, फैटुअस मतलब मूर्खतापूर्ण, है ना। क्या बोल रहा है? फुलिश, 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 फैटुअस मतलब मूर्खतापूर्ण। अब फैटुअस को फैट, फैट मतलब होता है मोटू, और अस मतलब हम लोग, है ना, वी में तो हम लोग, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है ना जी, तो फैट हम लोग, तो मोटुआ हम लोग के साथ, देखिए पापा मोटुआ हम लोग के साथ फैटुअस व्यवहार कर रहा है, मोटुआ हम लोग के साथ फैटुअस व्यवहार कर रहा है, इसको कह दीजिए संभल जाएगा। क्या कह दीजिए? कह दीजिए संभल जाएगा, ये मोटुआ जो है हम लोग के साथ फैटुअस व्यवहार कर रहा है, एकदम मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उम्मीद नहीं था जो ऐसा करेगा, है ना। तो मोटुआ हम लोग के साथ फैटुअस व्यवहार कर रहा है, मूर्खतापूर्ण। नेक्स्ट नेक्स्ट, फौना, फौना तो एक किसी क्षेत्र में रहने वाला एक जानवर, जो पर्टिकुलर जानवर का नाम है फौना, पूछ लेता इसीलिए डाल दिया है, नहीं तो क्या है? फौना, फौना किसी क्षेत्र में रहने वाले एक जानवर का नाम है। क्या बोला है? एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, है ना, कुछ खास एरिया में एक जानवर रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फौना कहते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, मिलके पढ़िए। आप लोग का कहना है सर एडियम्स फ्रेज, तो कोशिश करते हैं बहुत जल्द आप लोग को एडियम्स फ्रेज भी देने का। ओके जी, जो भी आप लोग का डिमांड होगा वो सब ईजिली एकदम आसान भाषा में पूरा किया जाएगा, बस आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।